आज की रेसिपी बड़े मजे की बनने वाली है। ये रेसिपी है मसूर दाल की पुलाव। हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज सहनाज के किचन में आप लोग को स्वागत है। आज मेरे किचन में बनने जा रही है मसूर दाल से पुलाव। ये पुलाव बहुत ही मज़ेदार होते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं मसूर दाल से किस तरह से पुलाव बनाएंगे। वीडियो के अंत तक आप लोग सब बने रहिए। आज की रेसिपी बनाने के लिए हमें इस तरह से एक पॉट लेनी है और इसमें 5-6 टीस्पून ऑयल डालनी है। ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए, फिर हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले, गर्म मसाले। यहाँ लेना है 2 तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची का मात्रा ज़्यादा होगा और बड़ी इलायची 2। ये सारे खड़े मसाले हमें इसमें डालने हैं। इसे हल्का सा भून लेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। इसे भी थोड़ा चला लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे करी लीव्स और ग्रीन चिली। इसे भी चला लेंगे। फिर इसमें डालनी है 2 मीडियम साइज अनियन, बारीक कटा हुआ। इसे हम हल्के से ब्राउन कर लेंगे। इसे ब्राउन करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। 2 से 3 हमें टमाटर इस तरह से कट करके इसे डालने हैं और थोड़ा धनिया पत्ती इसे भी डालनी है। अब इसे भी अच्छी तरह से चला लें। अब इसमें डालनी है जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 से 3 टीस्पून। इसे भी चला लीजिए। फिर इसमें जाएंगे इस तरह से आलू कटे हुए, 4 मीडियम साइज के आलू। अब इसे अच्छी तरह से हम भूनेंगे। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टी स्पून मसूर के दाल इस तरह से। इसे भी चला लीजिए। ये मैं ली हूँ 1 कप मसूर की दाल और 2.5 कप चावल। अब डालेंगे चावल। अब अच्छी तरह से हमें इसे 1-2 मिनट भूनना है। अब ये भून चुके हैं, अब हम इसमें पानी डालेंगे। इसी कप में मैं 2.5 कप राइस ली थी तो इसका डबल पानी डालेंगे।
5 कप। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसे भी मिला लें। फिर कवर करके हमें 20 मिनट तक इसे कुक करना है मीडियम फ्लेम में। पुलाव बन रहा है, चलिए हम एक दही का रायता बनाते हैं। मैं एक प्याज को बारीक इस तरह से कट कर ली हूँ और हरी मिर्च 2 डाली हूँ, उस धनिया की पत्ती, नमक स्वाद अनुसार, दही 1/2 कटोरी। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा से पानी डालेंगे। अब ये रायता तैयार है। दही का रायता बन चुके हैं। अब चलते हैं पुलाव देखते हैं बना कि नहीं। ये अच्छी तरह से अब बन चुके हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। आज की पुलाव बहुत ही मजेदार बने हैं। चलिए सर। अब इसके ऊपर हम थोड़े धनिया की पत्ती और ब्राउन प्याज, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइए। और आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आने वाला वीडियो का इंतजार कीजिए। हमेशा की तरह खुश रहिए।